आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। पीछे का थोड़ी बहुत बस करो देखिए, यहाँ पर जो पिछले 6 दिन से लंगर जो है वो चल रहा है, जब से यात्रा जो है जिसका शुभारंभ हुआ तब से ही अमरनाथ यात्रा जो इनकी वेलफेयर सोसाइटी है और उसमें राजकुमार जी, राजकुमार गोयल जो हैं, ये इस सारी जो यात्रा का जो ये लंगर जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक मन में बहुत इच्छा होती है कई बार कि जो लोग बाहर से आए वो लोग जहाँ पर आकर के ऐसा महसूस करें कि जैसे वो अपने ही होम टाउन में हैं, अपने ही घरों में रह रहे हैं। और क्योंकि ये यात्रा जो है बड़ी कठिन यात्रा है, साल में एक बार यात्रा आती है, और लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से अपने इंतज़ाम होते हैं, लोगों की तरफ से हमारे जो जम्मू के लोग हैं वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा वक्त हैं, क्योंकि ये मंदिरों का शहर है और मंदिरों को शहरों में लोगों की ये चिंता रहती है कि कोई भी व्यक्ति जो जहाँ पर आए वो बिना खाए यहाँ पर प्रसाद लिए यहाँ से ना जाए, कोई भूखा पेट ना रहे, इस बात की चिंता जो है। और उसी चिंता को लेकर के जिस तरह से राजकुमार गोयल जी ने यहाँ पर लंगर का व्यवस्था की हुई है, ये लंगर जो है जब तक यात्रा चलेगी तब तक ये लंगर चलने वाला है। बहुत सारे लंगर और भी चल रहे हैं, लेकिन सब तरफ से एक ही प्रार्थना है कि भाई ये जो यात्रा है सबकी सफल हो, मनोकामनाएं पूरी हों, और किस कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसकी वजह से यात्रा जो है, कई बार ऐसे हालात पैदा होते हैं लेकिन भोले शंकर जो हैं सभी पे अपनी नज़र जो है वो बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें, और यात्रा जो है वो इसी तरह समूह चलती रहे। जम्मू वासियों को यही कहते हुए कि भाई आपका जो इस समय जिस तरह से आप लोग लंगर लगा रहे हो, लोगों को संभाल रहे हो, इसी तरह आप संभालते रहिए और भोले शंकर की जो आशीर्वाद है वो जम्मू वासियों पे बना दे। धन्यवाद।